जलवा बरकरार। नवंबर के पहले सप्ताह और दिवाली वीक में सीरियल में कई उतार चढ़ाव आए। टीवी की दुनिया में कुछ सीरियल और रियलिटी शो को दर्शकों का प्यार मिला तो कुछ अपनी जगह टॉप में बनाने में फिर से कामयाब नहीं हो पाए। कलर्स चैनल के शो नागिन को बार्क रेटिंग में एक बार फिर से टॉप पर स्थान मिला है। नवंबर के पहले सप्ताह की रेटिंग में नागिन अपने ट्विस्ट टर्न और मायावी शक्तियों की कहानी के कारण दर्शकों को रोमांचित करने में सफल रहा है। अनीता सुरभि ज्योति और करिश्मा तन्ना के मुख्य भूमिकाओं से सजे हुए इस शो को दर्शकों का बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है। कुमकुम भाग्य के स्पिन ऑफ शो कुंडली जो भाग्य का सीरियल था उसको दर्शकों का बहुत ही ज्यादा प्यार मिला है। लव स्टोरी और पारिवारिक साजिश के ताने बाने में बुनी ये कहानी दर्शकों को लुभाने में सफल रही है। जी टीवी के इस शो को बार्क रेटिंग में दूसरा स्थान मिला है। कार्तिक और नायरा की लव स्टोरी के साथ इन दिनों शो में अखिलेश और मनीष के बीच संपत्ति को लेकर जोरदार झगड़ा चल रहा है। सीरियल में गोइंका परिवार के तीसरे बेटे के रूप में समर्थ की एंट्री का ट्विस्ट भी दर्शकों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है और ये शो बार्क रेटिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचने में कामयाब हो गया है। कलर्स टीवी के चर्चित शो इश्क का रंग सफेद में युवा विधवा धानी के किरदार में ईशा सिंह ने दर्शकों का बहुत ज्यादा प्यार बटोरा है। अब एक बार फिर जी टीवी के शो इश्क सुभान अल्लाह में जारा सिद्दीकी के किरदार में उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है। मुस्लिम परिवार लेकिन अलग मूल्यों में यकीन करने वाले दो अलग लोगों की लव स्टोरी को दर्शकों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। पिता और बेटी के प्यार और रिश्तों में मिलने वाले धोखे और अविश्वास के इर्द गिर्द बनी इस कहानी को शुरुआत से ही दर्शकों का प्यार मिल रहा है। कुल्फी और अमायरा के बीच की बढ़ती जलन और सिकंदर और कुल्फी के अनोखे रिश्ते को दर्शक बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हैं। ये शो भी टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब रहा है क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो दर्शकों को पसंद आ रहे हैं और इसकी जो कहानी है अब तक किसी भी सीरियल में किसी भी छोटे पर्दे पर ऐसी कहानी अब तक नहीं दिखाई गई है, तो दर्शकों के लिए ये बहुत ही ज्यादा नई कहानी है और सारे जो किरदार हैं वो बहुत ही ज्यादा नए हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि नागिन का जलवा अभी भी टॉप 1 पर बरकरार है और जब से ये सीरियल स्टार्ट हुआ है तब से ही ये टॉप पर बना हुआ है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में ये नागिन जो सीरियल है हमेशा ही टॉप पर बना रहेगा कि जो दूसरे सीरियल है जैसे कि कसौटी जिंदगी की 2 और बिग बॉस 12 या फिर कौन बनेगा करोड़पति, इसमें कुछ ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे कि ये नागिन को पछाड़ते हुए टॉप 1 पर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ प्ले स्टोर पे जरूर जाएं और टूडेज की आपको जरूर डाउनलोड करें।